मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज देखेंगे ना वो होगी आपकी जो SSC CGL 2022 में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 40 सेट हुए थे, ठीक है, 40 सेट हुए थे और इसके अंदर लगभग मेंसुरेशन के 55 से 60 क्वेश्चन हैं, ठीक है, यानी कि 55 से 60 क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनका SSC GD 2023 में और CHSL जो अभी होगा, ठीक है, मार्च में, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर बिल्कुल सेम क्वांटिटी पे नहीं कह सकते तो सेम मेथड पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जिनके 10 तारीख से पेपर है ना यार SSC GD के, वो जरूर देख लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, एक आधी क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा क्योंकि मेंसुरेशन के एक या दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं 20 में से, ठीक है, और वो यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर देखे जाना और वीडियो को शेयर कर देना, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 88 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की साइड्स वाले शीशे के एक आयताकार ठोस में 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉर्टपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है ये है कि एक क्यूबॉइड है और उसको मैंने कन्वर्ट करके मेरे को क्या चेंज करना है, यानी कि एक स्फेयर में चेंज करना है जो कि एक शीशे की शॉर्टपुट की तरह दिखती है। तो ये बोल रहा है कि वो शॉर्टपुट्स कितनी होंगी, ठीक है। तो एक चीज मेरे को बताओ, यानी कि जब अगर मैं किसी एक चीज से दूसरी चीज में अगर मैं चेंज होता हूँ या फिर कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं उस कंडीशन में मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को वॉल्यूम चाहिए होता है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 88 हो जाएगा, यानी कि एल इंटू बी, एल इंटू में बी इंटू में एच होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा इंटू में 63 हो जाएगा इंटू में 42 हो जाएगा, और जो इसका वॉल्यूम रहेगा वही इस जो जो ये आउटपुट है, जो ये शॉर्टपुट है उसका रहेगा, ठीक है। मान के चलो कि वो जो शॉर्टपुट है वो कितने हैं, एन है, ठीक है, और इनका वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि 4 के बटे में 3 पाई और आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 22 के बटे में 7, इन्होंने कहा है, ठीक है, यहाँ से 22 के बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और आर का क्यूब आपको नहीं पता, ठीक है, आर पता है यानी कि 4.2 रख दो, ठीक है, यानी कि 4.2 रख दो यहाँ से, क्योंकि ये क्या दे रखा है, ये डायमीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि 4.2 यानी कि 42 के बटे में 10 का रख देता हूँ, ठीक है, यानी कि 42 के बटे में 10 और 42 के बटे में 10। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, यानी कि 22 एकम 22 और 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। इसके बाद में 1 42 से ये वाला 42 कट जाएगा और ये जो आपके पास में 4 दिखाई दे रहा है इससे ये 4 कट जाएगा। इसके बाद यानी कि 7 या 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है, और कुछ कटता है क्या, ठीक है, और कुछ कटता है तो देख लेते हैं, यानी कि 7 6 42 हो जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि और 3 2 6 और 3 3 9 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 5 5 25 और 10 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 750 N, यानी कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास में क्यूबॉइड था इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, एक शॉर्टपुट में, तो ऐसी हमको कितनी शॉर्टपुट मिलेंगी, यानी कि ऐसी हमको 750 शॉर्टपुट मिल जाएंगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, लोहे से बने एक गोलार्ध कटोरी का आंतरिक व्यास दे रखा है, यानी कि देखो इस तरीके से एक गोलार्ध बना हुआ है और इसका जो आंतरिक व्यास है, कहने का मतलब यह है कि इसकी कुछ मोटाई भी होगी और लगभग इस तरीके का एक गोलार्ध है और ये इसकी क्या है, ये मोटाई है, यानी कि आंतरिक व्यास की बात कर रहा है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, समझे, और आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, 84, यानी कि जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी, और 21 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से दशमलव के दो स्थानों तक इसके अंदर की ओर टिन चढ़ाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपका आंसर रहेगा ना वो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपका 21 का यानी कि 3 का और 7 का मल्टीपल हो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन अभी हम लोग क्या है, हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और वही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके चलेंगे और इतना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं चीजें, ठीक है। एक चीज मेरे को बताना है कि यहाँ पे क्या है, यानी कि कटोरी का है और आंतरिक व्यास की बात कर रहा है, ठीक है, अगर मैं आंतरिक व्यास की बात करता हूँ तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अंदर ये क्या करी जाएगी, यानी कि इसके अंदर अंदर प्लेटिंग करी जाएगी, यानी कि अगर इसके अंदर अगर प्लेटिंग करी जाएगी तो मेरे को क्या चाहिए बताओ,
यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका यानी कि सी एस ए, ठीक है। यानी कि अगर मैं सी एस ए की बात करता हूँ तो कितना होता है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 × 22^7, और आर कितना हो जाएगा, आर यहाँ से कितना हो जाएगा यानी कि 42 हो जाएगा, 42 × 42, और कितने की लागत है इसकी, 21 की लागत है, ठीक है। यानी कि 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि अगर मैं 42 को 42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 42 2 × 4, 2 × 4 8 इंटू में, यानी कि 4 × 2 8, 4 × 4 16, यानी कि 4 × 8 8 16, और ये कितना हो जाएगा, 1764 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, यानी कि 3 × 12 की 1, 3 × 6 18 और 19 की 1, 3 × 7 21 22 की 2, 3 × 1 3 2 5, यानी कि 5 2 9 2, और फिर मेरे को इसको किससे करना है, यानी कि इसको मेरे को 44 से करना है, ठीक है। 22 × 44 होता है, ठीक है, यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, यानी कि 5 2 9 2 × 2 में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 4 × 2 8, और 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × 9 36 की 3 हो जाएगा, 4 × 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 × 4 5 20, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यही कितना हो जाएगा, यानी कि 8 6 1 1 और 2, ठीक है। यानी कि 8 8 6 14, 6 7, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 2 3 और ये 2, आपका आंसर क्या दिखा, क्या दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे तो, यानी कि 23 28 48, यानी कि 23 28 और 48, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 21 प्रति 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, यानी कि इसको मेरे को क्या करना है, यानी कि 100 से भाग करना है, तो यानी कि आपको आंसर जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, यानी कि 2328.48 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप लोग क्या देख सकते हो यहाँ से, यानी कि 3 का मल्टीपल देख सकते हो और 7 का मल्टीपल देख सकते हो, मैंने पहले ही कहा था। अगर आप लोग 3 का मल्टीपल भी चेक करते हो ना, यानी कि देखो 8 4 12, 12 5 17, और 17 5 22, 3 25, और 2 27, ये आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। इसके अलावा मेरे को 11 का मल्टीपल भी चेक कर लेता ना अगर मैं, यानी कि 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 7 4 कितना हो जाएगा, 11 8 5 13, 13 3 16, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि 2 2 4 और 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यानी कि देखो 2 4 और 4 8, ठीक है, 8 8 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, 19 में से अगर मैं 8 घटा देता हूँ तो वह आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 11 आएगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है 11 का मल्टीपल। यहाँ मैं देखता हूँ तो 4 और 8, 8 5 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 9 बचेगा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आप लोग ध्यान से, यानी कि अगर आप लोग 11 का मल्टीपल चेक कर लेते ना इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने होने वाला है आप सभी के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, क्या है कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लोहे की छड़ से खींचकर 12 मीटर लंबाई और एक समान मोटाई वाला एक तार बनाया जाता है, तो तार की मोटाई बताने की क्या हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली लोहे की छड़, यानी कि लोहे की छड़, यानी कि इस तरीके की एक क्या है, एक छड़ है, ठीक है, यानी कि एक छड़ है, सरिया रॉड मान लो, ठीक है, जिसका 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद में क्या किया, इसको खींचा गया, यानी कि एक डक्टिलिटी होता है ना, यानी कि डक्टिलिटी जिससे हम सोने को सबसे लंबा खींच सकते हैं, सोने की तार को बहुत लंबा कई किलोमीटर तक खींच सकते हैं, तो वही है डक्टिलिटी नियम, यानी कि तन्यता है, हिंदी में तन्यता होता है, और इसको हमने खींच के क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी तार बना दी हमने, ठीक है, जिसकी जिसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर है, और यहाँ पे जो आपको आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी कि इस 12 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी हाइट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखना, यानी कि जो इसका वॉल्यूम रहेगा वही इसका वॉल्यूम रहेगा, अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 π r² एच कितना हो जाएगा, यानी कि इसका एच हो जाएगा 12, इसको कन्वर्ट करके ये खींचा गया, यानी कि पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, और वो आपको नहीं पता तो आप वो कितना हो जाएगा, वो आर ही मान लो, ठीक है, इसको आप कैपिटल आर कर दो, और इसकी वो कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है, और ये 1200 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि इसको मैं आर ही मान लेता हूँ ना, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये 1200 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 यानी कि 2 दूनी 4 के बटे में कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के स्क्वायर के, यानी कि अगर मैं आर की बात करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, यानी कि 2 के बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि 0.2 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है, यानी कि इसकी रेडियस आ गई। अब एक चीज मेरे को बताना, यहाँ पे क्या पूछा है, यानी कि इसकी मोटाई पूछी है, कहने का मतलब यह है कि जो इसकी मोटाई होगी, यानी कि ये पूरी इसकी मोटाई तो है, यानी कि आपको डी पूछा हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें, यानी कि पहले एक कोई तार थी, उसको हमने लंबा कन्वर्ट करके एक बहुत लंबी तार खींच दी, जिसकी लेंथ कितनी थी, 12 मीटर थी, और 12 मीटर को चीजें हमको आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इस 12 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में यानी कि जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो इसका वॉल्यूम रहेगा, तो मैंने दोनों के वॉल्यूम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए, और आर की वैल्यू निकाल दिए, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गई, और आपको इसकी 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 जो मोटाई है वो पूछी थी, यानी कि बेसिकली आपसे डायमीटर पूछना चाह रहा था इनडायरेक्टली, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 0.4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक समकाकार पात्र है, यानी कि एक कौन है जो कि लोहे का बना है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, इनकी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इस तरीके का एक कौन है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी, यानी कि 15 दे रखी है। ठीक, यदि लोहे पर भार प्रति घन सेंटीमीटर कितना है, 15 ग्राम है, तो पात्र का भार बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या ही दिक्कत है, यानी कि इसका देखो घन सेंटीमीटर की बात कर रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम निकाल लो सबसे पहले, तो वो क्या होता है, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 22 के बटे में 7 रख दो, यानी कि 1/3 पाई आर, आर कितना हो जाएगा, यानी कि 7 × 7 और कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, एच कितना है आपका 15, और कितना है, यानी कि 15 घन सेंटीमीटर, यानी कि इसको 15 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखो 7 से तो 7 कट जाएगा और 3 × 15 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 75 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 की 3 × 7 = 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, और 525 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1050, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1050, यानी कि 0, 5, 5, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 11550 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 11550 ग्राम आ जाएगा आपके पास में, लेकिन आपको आंसर किस में दे रखा है, यानी कि किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, जब आपको आंसर किलोग्राम में दे रखा है, और अगर ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11.55 हो जाएगा, और किलोग्राम में जब आप चेंज करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 11.55 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका है 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्ध, एक अर्धगोले को, ठीक है, शीशे का एक अर्धगोला है, इस तरीके का शीशे का अर्धगोला है, अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवत शंकु में डाला जाता है, यानी कि देखो चीज़ों को वही कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जब मैंने पहले ही बोल दिया अगर चीज़ों को कन्वर्ट करेगा किसी दूसरी चीज़ के अंदर तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को वहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कि अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ वो कितना होता है, यानी कि 2 के बटे में 3 पाई आर क्यूब होता है ना, 2 के बटे में 3 पाई आर का क्यूब, आर कितनी है आपके पास में, यहाँ पे कितना है, 4 × 4 × कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके बाद में इसकी जो इसका जो वो होता है वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1 के बटे में 3 और पाई आर का स्क्वायर एच, आर कितना है आपके पास में नहीं पता, और अगर आपकी इसकी बात करता हूँ यानी कि ऊंचाई की वो कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इसके बाद में क्या करना है आपको, सॉल्व करना है चीज़ों को, यानी कि इस पाई से तो ये वाला पाई उड़ा दोगे आप, यानी कि इस 3 से ये वाला 3 उड़ा दोगे आप, इसके बाद में यानी कि 4 × 2 = 8, 8 में कितना होता है, 72 होता है, यानी कि 4 × 16 के बटे में ये वाला 9 इसके नीचे आ जाएगा, और ये आर की वैल्यू हो जाएगी, आर के स्क्वायर की। ठीक है, यानी कि ये इस स्क्वायर से मैं अंडर रूट कर दूंगा तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 4 के बटे में 3 आ जाएगी, यानी कि 3 × 3 और 3 × 3 और 3 × 9 यानी कि 1.33 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को, तो एक चीज़ आप ध्यान से सोचना, ठीक है, और चीज़ें ना देखो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखना है ध्यान से कि अगर मैं किसी एक को अगर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, यानी कि 0.33 आ जाएगा, ठीक है, और ये कंटिन्यूस नंबर है। अगर मैं इस
दो को अगर मैं तीन से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, यानी कि 0.66 आएगा। और अगर मैं तीन से तीन को काट दूंगा, तीन को तीन से काट दूंगा तो एक ही आएगा। इसके बाद अगर मैं चार को तीन से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। और अगर मैं पाँच को तीन से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि तीन एकम तीन दो, तीन एकम तीन, तीन छः 18, यानी कि 1.66 आ जाएगा। अगर मैं सात को तीन से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि तीन दूनी 6.33 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2.33। कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी नंबर के नीचे, यानी कि अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर तीन है, ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे को उसको काटना है तो मेरे पास में ऑप्शन में लास्ट के अंदर या तो आपको 0.33 होगा, या फिर 0.66 होगा, या फिर इसको ही राउंड फिगर करके 0.67 होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ अगर मेरे को पहले से पता होती और मेरे को पहले ही पता है कि ये तीन से तीन अगर कट जाएगा चीज़ों को, अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लूँ, अगर इसको थोड़ा सा विजनरी हो जाऊँ, चीज़ों को समझने लग जाऊँ, तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा, मेरे को सीधे से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो नीचे है वो तीन आएगा। और जब नीचे तीन आएगा तो मेरे पास में ना तो ये आंसर हो सकता है, ना तो ये आंसर हो सकता है, और ना ही ये आंसर हो सकता है। यानी कि आप जो कैलकुलेशन करने वाले थे उससे आप बच जाओगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यानी कि छः। 1 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, यानी कि वही चीजें हैं। देखो चीजें रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीडी में बनेंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। 1 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु गोले को पिघलाकर, यानी कि एक फिर से स्पीयर है उसको मैंने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया है। और एक किस में चेंज कर दिया मैंने उसको, यानी कि मैंने उसको शंकु में चेंज कर दिया है। यानी कि अगर मैंने उसको कौन में चेंज कर दिया है, जिसके आधार का व्यास कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। और इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सिर्फ 13 दे रखी है। आपको क्या निकालना है, यानी कि इसकी आपको हाइट निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 के बटे में 3, यानी कि पाई से तो पाई कट ही जाना है। और आर कितना हो जाएगा, यानी कि 13 × 13 × 13 हो जाएगा। और ये कितना होता है, यानी कि 1/3, यानी कि पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है, यानी कि 13/2, 13/2। और आपको एच निकालना है, ठीक है, यानी कि इस तीन से तो ये वाला तीन कट जाएगा, इस पाई से ये वाला पाई कट जाएगा। इसके अलावा यानी कि 1 13 और 2 13, ये दोनों 13 आपके कट गए, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि ये 2 × 2 = 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 × 16 × में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि लास्ट में आपके पास में 8 मिलेगा, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर लास्ट में 8 है, यानी कि ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई आपके आंसर नहीं बन सकते, यानी कि 16 × 48 = 4, 16 × 16 = 4, यानी कि 20, 208 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 mm वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, निर्मित तार की लंबाई बतानी कितनी हो जाएगी। देखो यार वही है, एक गोले से, यानी कि एक गोला है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो फिर से मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि किसी गोले का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि 4 के बटे में 3, पाई आर का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा, 9 और ये 9। और इसको किस में चेंज कर रहा है, ये एक तार में चेंज कर रहा है, यानी कि इस तरीके के एक तार खींच दिया उसने बहुत बड़ा, यानी कि वो एक सिलेंडर का, एक सिलेंडर फॉर्म में आ जाएगा। अगर सिलेंडर फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर एच होता है, ठीक है। यानी कि इसका 6 mm है व्यास, यानी कि 3 mm इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 3 mm इसका रेडियस हो जाएगा और इसका ये एच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर मैं 3 × 9 हो जाएगा, 3 × 9 से ये कट जाएगा, 9 × 3 = 27, 27 × 4 कितना होता है, यानी कि 108 होता है, ठीक है। यानी कि 27 × 4 कितना होता है, 108 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि एक गोले का व्यास कितना दे रखा है, 63 सेंटीमीटर दे रखा है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है कि क्या हो जाएगा। एक गोले का व्यास दे रखा है, वो व्यास कितना है, यानी कि 63 है, तो अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ तो 63/2 हो जाएगा। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या हो जाएगा, यानी कि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि अगर मैं ये सर्कल है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सी एस ए की, यानी कि कट सर्फेस एरिया, और बात करता हूँ मैं टी एस ए की, यानी कि टोटल सर्फेस एरिया, ये दोनों ही इक्वली होता है, कितना होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है,
ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि अब देखो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करता है तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा, 4 × 22/7, और r कितना है आपका यानी कि 63/2, और ये कितना हो जाएगा 63/2, यानी कि 2 × 2 = 4 से 11 4 कट जाएगा, 7 × 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी कि 9 × 3 = 27 की 2 हो जाएगा, 9 × 6 = 54, और 2 कितना हो जाएगा यानी कि 9 × 6 = 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, 5667 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 2 × 7 = 14 की 1 हो जाएगा, 2 × 6 = 12 13 की 1 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1134 हो जाएगा, यानी कि 4 × 3 = 7, 4 × 2 और कितना हो जाएगा 124 74 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक एक अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अर्धगोले का आयतन क्या क्या होता है, यानी कि 2/3 π r³ यानी कि π² / 7 और आर का क्यूब यानी कि 14, यानी कि 14 × 14 × कितना हो जाएगा 14, यानी कि 7 × 2 कितना होता है 14 होता है, 7 × 2 = 14 होता है। अब देखो जो चीज़ मैंने तुम्हें पहले बताई थी ना यहाँ से, यानी कि वही चीज़ें देखो यहाँ पे फॉलो कर रही है, देखो यहाँ पे ये 3 है और ये कटेगा नहीं, अगर यहाँ पे नीचे 3 है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि लास्ट में या तो आपका 0.33 होगा या फिर 0.66 होगा या फिर 0.67 होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, ठीक है, यहाँ से देखो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, और इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। ये मैंने बहुत काम की चीज़ बताई है यार, अगर देखो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है, पता आपको सब है लेकिन आप लोगों ने कभी अप्लाई नहीं किया है, यानी कि सोचा नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ें सोचनी है आप लोगों को, ठीक है, जब ये सोचोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखना, अगर मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, कभी आपको लगे कि पता नहीं मतलब नहीं हो रहा होगा ऐसे ही कर दिया, ठीक है, यानी कि 14 और 14 कितना होता है 196, 196 × 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 6 = 12 की 1 × 2 = 18 19 की 1 × 2 = 2 और 1 = 3, 392 को अगर मैं 22 से करता हूँ, ठीक है, यानी कि 22 से करता हूँ, यानी कि 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 2 = 4 और 2 × 18 की 1 × 2 = 6 और ये कितना हो जाएगा यानी कि 784, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 784, यानी कि 4 × 8 = 4 = 12 और 8 × 8 = 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 86 24 आ जाएगा, 86 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 × 8 हो जाएगा, और 2 × 8 और 2 × 2 = 4, ठीक, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16 और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, और इसके बाद में आपको 3 से भाग करना है, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 21, यानी कि 57, और 57 वाला तो एक ही ऑप्शन है यार, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक गोले का आयतन दे रखा है, यदि एक गोले का आयतन दे रखा है इतना, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो, ठीक है। अब देखना, यानी कि एक गोले का आयतन क्या होता है, यानी कि 4/3 और ये π r³, यानी कि पाई की जगह कितना रखना है 314/100 और क्या निकालना है आपको, इसका पृष्ठ यानी कि r का क्यूब आपको निकालना है, और यहाँ से कितना हो जाएगा यानी कि 24 4/16 और ये कितना हो जाएगा 64 और यहाँ से कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 से ये वाला 100 पूरा कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि 4 से काट देते हैं इसको, यानी कि 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 4, 4 × 16 = 4, 4 × 4 = 24, और 4 × 6 = 24। इसके बाद में मैं 2 से काट देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 157, यानी कि 2 × 3 = 6, यानी कि 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, ठीक है, एक बार देख लेना फिर से, चेंज हो गया, एक मिनट रुकना, ठीक है, एक बार फिर से देख लेना चीजों को, ठीक है, अब हाँ ठीक है, यानी कि यदि एक गोले का ये चीज़ दे रखी है, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया इसको 4 से काटा, 4 × 6 = 24 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया इसको, यानी कि उसके बाद 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 4, ठीक है, 4 × 16 और 4 × 4 = 4 × 6 = 24, उसके बाद मैंने 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 × 3 = 6, ठीक, यानी कि 305 208 हो गया। इसके बाद देखना, अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि r का क्यूब इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि 30
52, 08, और ये 3 इधर चला जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, यानी कि 157 हो जाएगा। अगर 157 हो गया और 7, 5, 12 और 1, 13, यानी कि आपके, मेरे को तो अब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरीके से देखूं और किस तरीके से इसको हैंडल करूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस 305 और 20, 8 को मैं इससे भाग कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको अपना जो बेसिक तरीका है यानी कि उससे ही चलेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। यानी कि 157 एकम कितना हो जाएगा, 157 एकम 157 हो जाएगा, यानी कि 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 148। इसके बाद में मैं 2 से यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, 157 को अगर मैं 9 से काटता हूँ तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63। 9 7 63 की 6, 9 5 45, और 6 कितना हो जाएगा, 51 की 5, 9 1 9, 5 कितना होता है, 14। यानी कि 2 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, और इसके बाद में मैं 0 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 157 को अगर मैं 3 से करता हूँ तो 4 से कर देता हूँ। चलो ठीक है, यानी कि 4 7 28 की 2 4 5 20, और 2 22 की 2 4 1 4, और 2 6। ठीक है, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 28, यानी कि ये 4 बारी में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको काट के कितना आ जाएगा, 1944 आ जाएगा, और इस 1944 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12 की 1, 3 चौक 12 13 की 1, यानी कि 3 27 28 की 2 3 1 3 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, 58 32, यानी कि आर का क्यूब कितना हो जाएगा, 58 32, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, यानी कि 18 का क्यूब कितना होता है, 58 32 होता है। इसके बाद में आपको क्या पूछ रहा है, इसके बाद में पूछ रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है गोले का, तो वो कितना होता है, यानी कि 4 पाई r² होता है ना। ठीक है, 4 × 22 / 7 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, यानी कि 314। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 314/100, और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 × कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं, 8 8 64 का 4 चौक 16, और 16 का 6 चौक 24, यानी कि लास्ट में कितना रहेगा, 4 रहेगा। यानी कि यहाँ से लास्ट डिजिट मैंने देख ली वो कितनी है, यानी कि 4 है, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कुछ मेरे को दिखाई दे नहीं रहा है। ठीक है, जब और कुछ मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट देख सकते हो, यहाँ से आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो। यानी कि 9 का मल्टीपल देखूँ तो, यानी कि देखो ये 9 कट गया, 4 4 8 और 6 4 10, ये 9 का मल्टीपल है, 9 6 3 9 ये नहीं है आपका, 6 6 12 18 7 25 ये भी नहीं है आपका, यानी कि 9, यानी कि 6 3 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23, ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, 9 का मल्टीपल है, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन बहुत है यार। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि कल ही देख लेंगे आगे। ठीक है, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही हैं या पसंद आ रही हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू बनी रहे, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।